subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मेरी ये एक्सपेक्ट है हमेशा आपसे। तो मेरा जो चैनल है रेसिपीज़ बाय अंशिता, आप लोग शायद ना इसको सब्सक्राइब करना भूल गए हो, तो कर दो। मुझे यही लग रहा है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में नोटिस करा है, सब वीडियोस तो देख लेते पर कोई सब्सक्राइब नहीं करता। तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने का मौका मिलता रहे। और हाँ, आज की मेरी न्यू रेसिपी है सैंडविच। सैंडविच किसको नहीं पसंद? सैंडविच मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैं आज बनाऊंगी ग्रिल सैंडविच, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, विदाउट ग्रिलर। मैं बाटी ओवन में आज आपको ग्रिल सैंडविच बना के बताऊंगी, बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। और सर्व करने की स्टाइल देख लेना, बहुत अलग है और बहुत अच्छी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरी आज की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी अपन। और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है शिमला मिर्च, यानी कि एक चॉप्ड शिमला मिर्च, एक कटी हुई शिमला मिर्च, और साथ में एक प्याज भी लिया है कट करा हुआ बारीक। आप बड़ा भी कर सकते हो, मीडियम में कर सकते हो, बारीक भी कर सकते हो, ये आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है कि आपको कौन सा अच्छा लगेगा। एक कट टोमेटो, ये भी फाइनली चॉप्ड है। और मैंने आलू को बॉईल करके उसको मैश कर लिया, या फिर आप इसके ऐसे पीसेस कर सकते हो छोटे छोटे से, तो कर लो, क्योंकि पीसेस कर लोगे ना तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये भी मैंने एक लिया है। इसके बाद आपको जितने सैंडविच बनाने हैं उसकी डबल क्वांटिटी के ब्रेड्स लो, यानी कि एक सैंडविच बनाना है तो दो, इस एस्टिमेट से आपको चलना है। और उसके बाद दो चम्मच मेयोनीज, ये मैंने होममेड बनाई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और दो स्पून अप्रोक्सी आपको टोमेटो केचप ऐड करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच लहसुन का पाउडर, आप लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो या फिर लहसुन को किस के भी ऐड कर सकते हो। और आधे चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधे चम्मच ओरिगेनो। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको नमक का टेस्ट और ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा नमक ऐड करो, मैंने नहीं करा है क्योंकि मुझे एवरेज नमक चाहिए, और बहुत ही करा है तो बहुत जरा सा करा है, लिटिल माइनर। इसको अच्छे से मिक्स कर लो। और ये मेयोनीज वाला स्प्रेड आपका बिल्कुल रेडी है सैंडविच का। अब आप ब्रेड स्लाइसेस लो और उस पर ये अप्लाई कर दो सारा स्प्रेड। मैंने इसकी यहाँ पे एजेस निकाल ली है, आप चाहो तो निकालना, नहीं तो मत निकालना, ऑप्शनल है। मैंने आपको दोनों टाइप से बनाकर बताया है, एजेस वाले भी और विदाउट एजेस वाले भी। अब हम इसमें वेजेस अप्लाई कर देंगे, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, आलू और उसके अलावा कैबेज, सब टाइप की, आपको जो पसंद है आप वो डाल दो। मैं तो यहाँ पर पूरा वेजिटेरियन बना रही हूँ और वेज तरीके से ही बनाऊंगी, और वेजिटेरियन ही बनाती हूँ मैं सारी डिशेस। अब इसमें हम मसाला अप्लाई करेंगे, तो ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, नमक चाहो तो नमक भी, थोड़ा सा बीच में भी ऐड करना और लास्ट में भी, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, चाहो तो थोड़ा सा नमक, और चीज़ के बाइट्स यानी कि चीज़ क्यूब्स बारीक बारीक कट करे हुए। आप चाहो तो इसे ग्रेट भी कर सकते हो, किस भी सकते हो। और दूसरी साइड से कवर कर दो ब्रेड को। अब हम 2 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे बाटी ओवन को। मैं बिल्कुल ग्रिल वाला बता रही हूँ बाटी ओवन से, और इसके अलावा हम इसको प्रीहीट करने के बाद इस पर तेल, घी या फिर बटर लगा के एक एक साइड सेक लेंगे। एक साइड को कुकने के बाद आप इसे टर्न कर दो, और टर्न करने के बाद आप इसको चाहो ना तो बीच में एक बार ढक भी सकते हो, पर फिर आपको ध्यान रखना होगा कि कितनी देर में ये हो रहा है, क्योंकि सबके गैस की क्वांटिटी अलग अलग होती है कि कौन कितना मेजरमेंट रखता है, कौन कितनी हाई रखता है, कौन कितनी लो रखता है। मैंने यहाँ पर मीडियम रखी थी फ्लेम। मेरा एक तो सैंडविच रेडी हो गया विदाउट एजेस वाला। अब ये जो विथ एजेस वाला है ना, इसको भी मैं टर्न करूँगी और पकाऊँगी, अच्छे से कुक करूँगी। उधर साइड भी मैंने यहाँ पर घी या फिर बटर, जो भी आप ऐड करना चाहो वो लगा लो। मैंने यहाँ पर बटर ऐड करा था, और इसको भी 2 मिनट ढक के कुक, दूसरी साइड भी सेक लो यानी कि कुक कर लो। और उसके बाद ये 2 मिनट बाद रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी दिख रहा है ये। अब इसको हम कट करेंगे बीच में से ट्राइंगल शेप में, और इस पर हमारा स्प्रेड अप्लाई कर दो, या फिर मेयोनीज जो भी करना है आपको वो करो। मैं तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल, कैफे स्टाइल कर रही हूँ, तो देख ही सकते हो आप इसका लुक, बिल्कुल ऐसे ही कुछ सर्व करते हैं ना वो। अब मैं इसमें ओरिगेनो भी स्प्रिंकल करूंगी, और जिसको सेव पसंद है वो सेव भी कर सकता है स्प्रिंकल।
भाई इंदौरी है, क्यों नहीं सेव स्प्रिंकल करेंगे, और सैंडविच के साथ वो तो बनता ही है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सेव भी ऐड कर दी और रेडी है हमारा ये सैंडविच। अब हम एक और सैंडविच को भी रेडी कर लेंगे। तो आप बताना कमेंट करके आपको दोनों में से कौन सी वाली डिज़ाइन अच्छी लगी, फर्स्ट या सेकेंड। और ये वाला भी हमने जो टिश्यू पेपर, याद करो टिश्यू पेपर भी कुछ ऐसे ही रहते हैं ना मार्केट में स्टैंड में रखे हुए कैफे या रेस्टोरेंट, कुछ उसी स्टाइल से मैंने इसको डेकोरेट करा है और पुट करा है, सर्व करा है। इसी तरह से मैंने इसे रखा है और इसमें फिर से वही सॉस और मेयोनीज लगा दिया, स्प्रेड और मेयोनीज, और उसके बाद ओरिगेनो चिली फ्लेक्स और सेव से गार्निश करा। हमारा माउंटेन सैंडविच बिल्कुल रेडी है। तो आओ आप भी जल्दी से इंजॉय करो, या फिर आपके घर पे बना के इंजॉय करो, और मुझे कमेंट करके बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। तो गाइज कैसा लगा आपको मेरा सैंडविच बनाने का आइडिया, अच्छा था ना? बोला था ना देखते ही मुँह पानी आ जाएगा। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ आज मैं सबके नाम नोटिस करने वाली हूँ। और हाँ इसके अलावा ना आप खुद देख सकते हो कि मैंने चीज़ कितनी कम ली है, मुश्किल से 4 से 5 बाइट्स लिए चीज़ के, और उसके अलावा उसमें मेयोनीज इतनी सारी अप्लाई करी है, उसी से पूरा चीज़ी फ्लेवर आ रहा है, क्योंकि मेयोनीज भी मैंने होममेड बनाई है। और हाँ याद रखना मैंने जो जो भी होममेड बनाया मैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोज अपलोड है आप ट्राई करो कि आप सारी उसे देख सको। बस मेरी ये एक्सपेक्ट आपसे इसलिए है क्योंकि मैंने जो भी रेसिपीज बनाई है सब आपके लिए बनाई है, और उसके अलावा सब मतलब ना इजी ट्रिक से बनाई है होममेड। तो जल्दी से ट्राई करो।